Good evening and praise the Lord. Those of you who are attending this Bible study in LifeSpring Assembly. और आज की शाम मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं और आप सबको जय मसीह की वे सब जो LifeSpring Assembly कलीसिया के इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं. And welcome all of you who are seriously attending and studying the word of God. और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं जो बड़ी गंभीरता के संग इस अध्ययन से जुड़े हुए हैं और अध्ययन को सीखते और सुनते हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 7 ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस. और आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट टॉपिक पॉल इज स्पीकिंग इन चैप्टर 7. और ये बिल्कुल ही अलग एक शीर्षक है जिसके बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है. And the first point that Apostle Paul deals with is special situations for not marrying. और पहली बात जिसको लेकर पौलुस बात करता है वो ये है कि वो खास परिस्थितियां जहां पर एक व्यक्ति शादी नहीं कर सकता. Please remember the Apostle Paul is writing this in response to some letters the Corinthian believers have written to the apostle regarding marriage and anything that related to marriage. और याद रखिए कि ये उत्तर पौलुस प्रेरित लिख रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को उस चिट्ठी या पत्री के विषय में जो उन्होंने पहले पौलुस को लिख करके भेजी थी. So let me read verse 1. और इसलिए मैं पहले वचन को 7वें अध्याय से पढ़ूंगा. Now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए. Now there are situations that require celibacy. That's what Apostle Paul is mentioning here. और पौलुस पेरिस इस बात को इस वचन में बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कुवारा रहना या कुवारा रहना एक अच्छी बात है. He is beginning by saying it is good. और वो ऐसा कहता है कि ये तो भला है. Now, the word good here means advisable. और जो शब्द भला है उसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऐसा वो सिद्ध ऐसा बताना चाहता है या ऐसा निर्देश देना चाहता है. Advantageous. या एक भली बात है. Or profitable. या लाभकारी बात है. Or it is wholesome. या वो संपूर्ण बात है. He is talking about being unmarried. और वो बात कर रहा है कुवारेपन या कुवारा रहने के बारे में. The question was. सवाल ये था. Whether or not one should marry. कि क्या एक को शादी करना चाहिए या नहीं. Paul answers by saying, पौलुस ये कहते हुए उत्तर देता है, there are times and situations when it is wise not to marry. कि ऐसे समय हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जो ज्ञान पूर्वक हैं जहां पर शादी करना ना करना सही है या कुवारा रहना सही है. And Paul wanted the virtues of marriage understood. और पौलुस चाहता था कि शादी के जो सिद्धांत हैं वो समझे जाएं. Paul mentions two situations when it is advisable not to marry. और पौलुस ऐसी दो परिस्थितियों के बारे में बताता है जहां पर वो कहता है कि कुवारा रहना लाभकारी या सही होगा. And the first situation is, और पहली परिस्थिति है, in verse 26 of this chapter, Paul mentions about a present crisis. और 26वें वचन में पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पौलुस बात करता है एक ऐसी मुश्किल के बारे में जो अभी वर्तमान में है. इट वॉज अ जनरल रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस एंड प्रेशर्स ऑल क्रिश्चियंस फेस्ड इन दैट इरा ऑफ हिस्ट्री. और ये बात करता है ऐसी परिस्थितियों मुश्किलों और परेशानियों के विषय में जो उस समय में मसीहों ने जिसका सामना उस समय में मसीहों ने किया. The difficult circumstances. और बड़े कठिन परिस्थितियां. What exactly the crisis or distress was not known.
और वो सच में वो परेशानी क्या थी या वो मुश्किल क्या थी ये हमको नहीं पता। But the application is very clearly seen. लेकिन उसका परिणाम या उसको कैसे उसके प्रति हमें उत्तर देना है वो बड़े स्पष्ट है। And there are times when marriage is unwise because of situation arising from several situation. और कई बार शादी ना करना या कुवारा रहना सही है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं जो कि सही नहीं है। And it could be persecutions of Christians, या हो सकता है मसीहों का सताव, or world wars, या विश्व युद्ध, economic collapse, या आर्थिक रूप से जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, or revolutions, या वो क्रांतियां, or death, or disease, or accidents, etc. या मृत्यु या दुर्घटनाएं या हर प्रकार की अलग अलग ऐसी दुर्घटनाएं। So that could be the circumstances Paul is talking about. और हो सकता है पॉल उस इन्हीं परिस्थितियों के विषय में बात कर रहा है। And the second reason is, और जो दूसरा कारण है, God's will and call need to be closely considered. कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बुलाहट को बड़ी गहन रीति से हमें समझना और जानना है। Because God calls some men and women to remain unmarried. क्योंकि परमेश्वर ही कुछ पुरुषों और कुछ महिलाओं को बुलाता है कि वे कुवारे रहें। As Apostle Paul says, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord Jesus Christ. कि तुम एक सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के प्रति जीने पाओ एक ऐसे ध्यान के साथ जो बिना बटा हुआ है। Verse 35, जो कि 35वें वचन में है। He says, I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, पर इसलिए कि जैसा शोभा देता है, वैसा ही किया जाए कि तुम एकचित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। And our Lord Jesus Christ, the head of the church, himself taught celibacy in obedience to God's call. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कुवारेपन या कुवारा रहने के विषय में सिखाया कि परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट के रूप में। So in the Gospel according to Saint Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार, chapter 19 verse 12, 19वां अध्याय 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। I am sure all of you understood this. अब मुझे पूरी आशा है कि आप सब इस वचन को समझे हैं। Let's have a closer look at Paul's words. और आइए हम पौलुस के वचन की ओर थोड़ा और गहरे रूप से देखें। It is good for a man not to marry. और एक मनुष्य के लिए यह अच्छा है कि वो शादी ना करे। In the Greek language, he exactly says that it is good for a man not to touch or handle or cling to a woman. और यूनानी भाषा में इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि ये एक पुरुष के लिए अच्छा है कि वो एक महिला को ना छुए, ना उसके संग चले और ना उसके संग चिपका रहे। Now this deals with all touching and not just celibacy. और याद रखिए ये हर एक प्रकार के छूने के विषय में है, ना सिर्फ कुवारे रहने के विषय। It deals with all physical relationship. और वो हर प्रकार के शारीरिक रिश्ते के बारे में ये बात करता है। And literally men and women who are not married. और खास रीति से ऐसे पुरुष और महिलाओं के विषय में जिनकी शादी नहीं हुई है। And it means that single men and women are not to go too far on dates or to cohabit with each other. और जिसका मतलब है कि अकेले या ऐसे पुरुष और महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है वो कहीं बाहर मिलने या एक साथ जाने या रहने में के बारे में ना सोचे। There is to be no immoral sin between the singles
of God's church. और ऐसा कोई भी अनैतिकता का पाप परमेश्वर के कलीसिया के जो ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं उनके बीच ना पाया जाए. Matthew chapter 5 verse 28. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय 28वां वचन. Verse 28 says, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है. And then 1 Thessalonians chapter 4. उसके पश्चात पहली तसलोनिकियों की पत्री उसका चौथा अध्याय. Chapter 4, verse 3. चौथा अध्याय और तीसरा वचन. For this is the will of God. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है. Your sanctification. कि तुम पवित्र बनो. That you abstain from sexual immorality. अर्थात व्यभिचार से बचे रहो. Now this instruction in verse 1 is a restriction, not a universal rule. और याद रखिए ये जो निर्देश पहले वचन में दिया गया है ये एक आज्ञा है ना कि विश्व भर में या विश्व भर में माने जाने वाली कोई एक साधारण सी बात. Paul was not downgrading marriage. याद रखिए पौलुस शादी को या वैवाहिक जीवन को नीचे नहीं गिरा रहा था. He was replying within the context of a historical setting and problem. लेकिन वो तो इतिहास के उस संदर्भ में और परिस्थितियों को संग रखते हुए उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था जो कुरिन्थ के विश्वासियों ने उससे पूछा था. And in this instruction, the importance was on the avoidance of sin. और इस निर्देश में जो महत्वपूर्ण बात पर वो ध्यान लगाता है या बताता है वो ये है कि कैसे हमें पाप से दूर रहना है. ओके, लेट अस लुक इनटू वर्स 2 और दूसरे वचन की ओर हम देखें. फर्स्ट कोरिंथियन पहला कुरिन्थियों 7:2 सातवां अध्याय दूसरा वचन. परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. That's what Apostle Paul says. There are three points to be noted here. और इस वचन को लेकर तीन ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान लगाना है. First of all, पहली बात, this verse is a command. कि ये वचन एक आज्ञा है. It is to be the rule of the church. ये तो एक कलीसिया का नियम है. What is that? और वो क्या है? That because of immorality, क्योंकि अनैतिकता है, each man should have his own wife and each woman should have her own husband. कि ऐसा ना हो कि कोई व्यभिचार में पड़े इसलिए हर एक पुरुष के पास अपनी पत्नी और हर एक महिला के पास अपना पति हो. एंड सो द नंबर टू थिंग्स टू बी नोटेड और नंबर या दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है. व्हाट इज इन दिस वर्स इज एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज टू बी मैरिड. कि हर एक मनुष्य को हर एक पुरुष को और हर एक महिला को शादी करना जरूरी है. ईच शुड हैव हिज ओन वाइफ and each woman should have her own husband. और हर एक पुरुष के पास अपनी पत्नी हो और हर एक स्त्री के पास अपना पति हो. The reason is clearly mentioned. और इसका कारण बड़ी स्पष्ट रीति से बताया गया है. And that reason is to avoid sexual immorality. और वो कारण ये है कि वो व्यभिचार का पाप में हम ना पड़े. And there are only two exceptions which are given in the previous verse. और ऐसे दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसे कारण हैं जो शादी ना करने के लिए पिछले वचन में हमने देखे. Sex is the gift of God. और याद रखिए यौन संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है. It is the way God has made us. और इसी रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया है. It is the way God has ordained for a man and a woman.
और इसी तरीके से परमेश्वर ने इसे एक मनुष्य और स्त्री के लिए बना योजना में रखा है। There is one first thing to be noted is, और इसलिए एक पहली ऐसी बात है जिस पर हमें मनन करना to propagate है। and carry on human race. कि मनुष्य या मानव जाति को आगे बढ़ाते चले जाए इसलिए। That is the purpose. ये उद्देश्य है। And God has created the sex along with man for this purpose of propagating and thus filling the earth. और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को यौन संबंध बनाने का भावना दिया है ताकि वो इस पृथ्वी पर मानव जाति को आगे बढ़ाए और ये पृथ्वी मानव से भरी रहे। And secondly, दूसरी बात, it is this marriage is to grow in intimacy with each other. और शादी इसलिए है ताकि वह एक पुरुष और स्त्री आपस में एक गहरे रिश्ते में बढ़े। Thus building a very strong foundation for the family. और इसके द्वारा परिवार के लिए एक बड़ी मजबूत नींव को रखें। And through the family, और उस परिवार के द्वारा, for the society, समाज के लिए, and human survival, और मनुष्य के जीने के लिए, a strong foundation is needed. एक बहुत ही मजबूत नींव की आवश्यकता। And a foundation can only be strong as husband and wife grow closer in intimacy. और एक नींव तभी मजबूत हो सकती है जब एक पुरुष एक पति और पत्नी आपस में एक गहरे रिश्ते में बढ़ते चले जाएं। And then the third point to be noted is this. तीसरी बात है जिस पर हमें ध्यान लगाना है। This teaching is not a low view of marriage. याद रखिए ये शिक्षा शादी का कोई नीचे गिराने के विषय में नहीं है। It is extremely a wise advice. ये तो सच में एक बहुत ही ज्ञान पूर्वक सलाह है। False views and doctrines of marriage are the highest teachings imaginable. और पॉलुस की वो सिद्धांत और शिक्षाएं जो शादी के विषय में हैं, वो सबसे ऊंची शिक्षाएं और सिद्धांतों के रूप में हैं। For example, उदाहरण के रूप में, read Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री पांचवें अध्याय को आप पढ़ें। Verses 22-33. 22वें वचन से लेकर 33वें वचन तक। A very strong teaching about relationship between husband and wife. जहां पर एक बहुत ही कठोर शिक्षा को हम देखते हैं जो दर्शाता है पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को। And I encourage you to read this passage. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस अध्याय को जरूर पढ़ें अपने घर में। To the wife, he says. और पत्नियों से वो कहता है। Wife, you submit yourself to your husband in the Lord. कि तुम अपने आप को परमेश्वर में अपने पतियों के अधीन करो। It says here, wives, submit to your own husbands as to the Lord. और यहाँ पर वो कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। That means, जिसका मतलब है, if the husband is not living according to God's will and God's instructions, कि अगर मान लीजिए वो पति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके निर्देशों के अनुसार नहीं जी रहा, and treat the husband wife like a slave or a servant, और पत्नी को एक दास के रूप में उसका प्रयोग करता है, It is not possible for a wife to submit to her husband in that situation. तब एक पत्नी के लिए ये संभव नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में वो एक ऐसे पति के अधीन रहे। The submission has to be in the Lord. क्योंकि वो अधीनता तो परमेश्वर में है। As you are submitting yourself to the Lord Jesus Christ. जैसे आप खुद को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करते हैं। What kind of submission is that? कैसा अधीनता ये है? It is a wholehearted and willing, loving relationship. And in the relationship, it is admitting and submitting to the role that a husband has been given by God himself. और ये पूरी इच्छा से संपूर्ण मन से और संपूर्ण तन से किया गया एक समर्पण है जिसमें आप पूर्ण रीति से अपने पति के अधीन हो जाते हैं। And even till today. और आज के दिन तक Apostle Paul's instructions are the strongest and enduring relationship
that can lay a very good foundation, strong foundation for a family. परमेश्वर के निर्देश और आज्ञाएं और शिक्षाएं ही सबसे अच्छे और उत्तम शिक्षाओं में से हैं जो एक शादीशुदा जीवन और परिवार की अच्छी और मजबूत नींव को बना सकते हैं. And Apostle Paul also deals with the specific problem of temptation and sexual immorality. और पौलुस प्रेरित खास रीति से परीक्षाओं और शारीरिक परीक्षाओं यानी व्यभिचार के विषय में भी बात करता है. And how to handle the temptation in a vile and immoral society. और कैसे एक ऐसे समाज में जो दुष्टता में है और अनैतिकता में है, कैसे ऐसे एक समाज में हम उन परीक्षाओं का सामना करें. And it is extremely wise for every man and woman to marry unless God has given them control over sexual desires. और ये तो बहुत अद्भुत और अच्छा होगा हर एक पुरुष और स्त्री के लिए कि वो शादी करे, जो तब तक जब तक परमेश्वर ने सच में उन्हें वो बुलाहट और वो सामर्थ्य ना दिया हो कि वो अपने उन यौन भावनाओं, यौन संबंध बनाने की जो भावनाएं हैं उन पर सीमा बनाए रखे, उनको सीमित करके रखे. We are living in a world where sex is worshipped. हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर यौन संबंध बनाने के विषय पे आराधना होता है. And it is almost impossible to remain pure apart from God's presence. और ये तो असंभव है एक के लिए शुद्ध जीवन बिताना जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में ना. And along with his presence, और उसकी उपस्थिति के साथ, his power also be present in our life. उसका सामर्थ्य भी हमारे जीवनों में मौजूद होना आवश्यक है. So unless the person is married, और जब तक एक व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, and had a good, wholesome and giving marriage, और जब तक एक अच्छी और संपूर्ण रीति से वो शादी में नहीं है, it is difficult. ये तो असंभव है. So understand what Paul is saying. और इसलिए आप समझिए कि पौलुस क्या कहना चाहता है. At any cost, और किसी भी दाम पे, sexual immorality has to be completely avoided in among the Christians and in the churches. और कोई भी दाम क्यों ना चुकाना पड़ जाए, लेकिन मसीहों के बीच वो व्यभिचार का पाप और वो शारीरिक अनैतिकता और पाप नहीं होने चाहिए. It is to be remembered, और इस बात को हमें याद रखना है, that the major heresy Paul was rebutting or in Corinth was Gnosticism. और याद रखिए एक बड़ी झूठी शिक्षा के विरुद्ध पौलुस प्रेरित लड़ रहा था या अपनी शिक्षा और सिद्धांतों को दे रहा था जिसका नाम है Gnosticism. And Gnosticism taught that the spirit is good but anything material or physical is evil. और इस झूठी शिक्षा में यह सिखाया जाता था कि आत्मा तो अच्छी है लेकिन आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो बुरा है. एंड योर बॉडी इंक्लूडेड एनीथिंग मटेरियल. और इसलिए कोई भी बात जो वस्तु है जिसमें आपकी देह भी शामिल है वो बुरी है. दिस इन टर्न लेड टू टू एरर्स. और इस झूठी शिक्षा में ने कुरिन्थ की कलीसिया में दो गलतियों को या दो गलत विचारों को ले आया. Because Gnosticism considers body is evil. और क्योंकि Gnosticism की शिक्षा में शरीर या देह को दुष्ट या बुरा समझा जाता है. The body can do anything it desires. तो शरीर कुछ भी कर सकता है जैसी उसकी इच्छा हो. Anything it wants. और जो कुछ वो चाहता है. Since it is totally unrelated to the spirit or spiritual. क्योंकि शरीर का तो आत्मा से कोई रिश्ता ही नहीं. And this error is seen in chapter 5 of 1 Corinthians. और इस गलती को हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके पांचवें अध्याय में. And the second error is. और जो दूसरी गलती है. Since the body is evil. और क्योंकि ये देह दुष्ट है, बुरी है. The body must be thoroughly subdued. तो इसलिए इस देह को पूर्ण रीति से इसके ऊपर विजय पाना जरूरी है. And completely to be denied. और इसे पूर्ण रीति से त्यागना जरूरी है. Now this error led even good people to avoid even good
and God ordained properties, ordained proper things. और ऐसे इस झूठी शिक्षाओं ने ऐसा किया कि जो अच्छे और भले लोग और सही शिक्षाओं के संग लोग थे उनके अंदर भी वो ऐसे प्रोत्साहन को ले आया कि वो सही बातों को छोड़ ऐसे ही बातों की ओर बढ़ने लगे. And that prompted many couples to avoid even intercourses between married people. और जिस इस झूठी शिक्षाओं ने ऐसे कुरंत के विश्वासियों के बीच में ऐसी शिक्षा और विश्वास को ले आया कि यहाँ तक कुछ शादीशुदा जोड़े भी आपस में यौन संबंध बनाने से पीछे हटने लगे. And this second error is seen in this chapter 7. और इस दूसरी गलती को हम इस सातवें अध्याय में देखते हैं. Where married men and women, जहाँ पर शादीशुदा पुरुष और महिलाएं, in an effort to be spiritual, और इस प्रयत्न को करते हुए कि वो आत्मिक बने रहें, were denying the right of such a relationship. तब वो अपने ऐसे एक रिश्ते को बनाने का जो इच्छा है उसको मना कर देते थे. Such a right relationship with their wife. और अपनी पत्नी या पतियों के संग ऐसे रिश्ते को बनाने से वो मना कर देते थे. And so we need to properly understand the body and also the sex that God has created along with the body. और इसलिए हमें इस शरीर को समझना है सही रीति से और साथ ही साथ उस यौन संबंध को भी जो परमेश्वर ने शरीर के लिए बनाया है. And the purpose of these good gifts from God. और इन तोहफों का परमेश्वर की ओर से जो हमें मिले हैं इनका उद्देश्य क्या है. And in order to fulfill that divine good purpose, we need to follow a divinely appointed rules concerning marriage and sexual relationship. और इसलिए कि हम इस स्वर्ग से दिए गए रिश्ते को अपने जीवन में पूरा और संपूर्ण बनाने पाए तब हमें उन स्वर्गीय आदेशों और निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. And so I pray that God the Holy Spirit will enlighten our understanding. और इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोलने पाए. And unless we interpret Paul's passages concerning this, और जब तक हम पौलुस के इन वचनों को सही रीति से जानते और समझते नहीं, and understand the intention of Apostle Paul, और पौलुस प्रेरित के उसके पीछे की भावना और संदर्भ को नहीं समझते, we can completely misunderstand Paul's idea. तब हम पौलुस के विचारों को बड़ी गलत रीति से समझ सकते हैं. So there are 5 points to be considered. और 5 ऐसी बातें हैं जिनके विषय में हमें सोचना है. And we have already looked into 2 of them. और उनमें से 2 बातों में हम पहले ही देख चुके हैं. And these 2 are, और ये 2 बातें हैं. There are special situations for not marrying. ऐसी खास परिस्थितियां हैं जहां पर आप कुंवारे रह सकते हैं. And secondly, और दूसरी बात, there is a condition necessitating marriage. ऐसी परिस्थिति है जो शादी को अनिवार्य बनाती है. And so let us understand what Paul is saying properly and treat our marriage relationship with our own wife. और इसलिए आइए हम उन बातों को सही रीति से समझें और जानें जो पौलुस कह रहा है और अपने शादीशुदा जीवन को अपने पति और पत्नियों के संग सही रीति से रखें. And with prayer, प्रार्थनाओं के साथ. And let us all the married men, और जितने शादीशुदा पुरुष हैं, take care that you deal with your wives in such a way that you will grow in close intimacy with each other. कि आप अपनी पत्नियों के संग ऐसा व्यवहार करें कि आप दोनों एक गहरे और गहन रिश्ते में बढ़ने पाएं. And not only merely, you know, men are men of words. और याद रखिए मन पुरुष तो शब्दों के जन हैं. They usually shout from a distance, "I love you." वो दूर से खड़े होकर के चिल्लाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Now you also must understand a woman is different. लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझना है कि एक स्त्री कुछ अलग है. A woman is not satisfied by merely her husband telling her "I love you." और एक स्त्री या महिला सिर्फ इतने से खुश या प्रसन्न नहीं होती जब उसका पति उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ. She wants to see. लेकिन वो उस प्रेम को देखना चाहती है. That love. उस प्रेम को. And so more than you speak, और इससे ज़्यादा कि आप बोले, you show love. आप अपने प्रेम को दिखाएं.
And you men know how you can express your love without words. और आप पुरुष जानते हैं कि कैसे बिना कुछ बोले आप अपने प्रेम को दिखा सकते हैं. And many women are longing for their husband's affection and real good understanding and love. कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पतियों के उस सच्चे स्नेह और प्रेम के लिए का इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें प्राप्त होगा. Sex is the last thing that a woman thinks. याद रखिए कि ये यौन संबंध तो वो आखिरी बात है जो एक महिला सोचती है. But sex is the first thing that a man thinks. लेकिन यौन संबंध तो वो पहली बात है जो एक पुरुष सोचता है. That is the difference. और यही अंतर है. You know, there is the marriage counselors will give a test both to the husband and to the wife. और जो शादीशुदा लोगों के जोड़ों की जो काउंसलिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, वो जब उनको परामर्श देते हैं तो दोनों को परीक्षा देते हैं. They will ask the husband to write down in a sheet of paper the most important 5 things that you expect from your wife. और वो कहते हैं कि जो आप अपनी पत्नी से 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिनकी आशा या अपेक्षा आप अपनी पत्नी से करते हैं उन्हें लिखें. एंड द सेम क्वेश्चन टू द वाइफ. और यही सवाल पत्नी से भी पूछा जाता है. यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन द मैन्स लिस्ट. क्या आपको पता है वो पहली बात पुरुष की लिस्ट में कौन सी है? सेक्स, यौन संबंध. एंड यू नो इन द वुमेन्स लिस्ट. और महिला की उस लिस्ट में सेक्स इज द लास्ट. यौन संबंध सबसे अंतिम है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग she will have, she look for. और वो पहली बात है कि क्या वो क्या खोजती है? Affection. वो नम्रता या सराहना. Understanding. समझ. And intimacy. और एक गहरा रिश्ता. Sex is the result or the climax of our affection, our intimacy and our closeness to wife. और याद रखिए यौन संबंध बनाना तो उन सारी बातों का परिणाम है या निष्कर्ष है जब हम अपनी पत्नियों से वो स्नेह, वो सराहना और वो सच्चा प्रेम और गहरा रिश्ता रखते हैं. And so without affection, और बिना उस सराहना और प्रेम के, without that intimacy, और बिना उस गहरे रिश्ते के, don't try to satisfy only your sexual urges. सिर्फ अपनी शारीरिक भावनाओं को तृप्त करने की कोशिश ना करें. And go to the wife just for the sex. और सिर्फ पत्नियों के पास इसलिए जाएं कि यौन संबंध बनाना. She will never be happy. वो कभी भी खुश नहीं होगी. And she will never be satisfied. और वो कभी भी तृप्त नहीं होगी. So understand. और इसलिए हमेशा समझें. And that's the way women are created. Whereas that's the way man. और इसी रीति से महिलाएं बनाई गई हैं और इसी रीति से पुरुषों को बनाया. So we need to live with proper understanding of one another's needs. और इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरतों को लेकर सही समझ के साथ जीना है. So God bless you. और इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And today is introductory teaching. और आज के दिन हमने शुरुआत या शीर्षक की शिक्षा को आपके सामने रखा. And from next study will be looking into the other matters regarding marriage. और हमारे अगले अध्ययन में शादी को लेकर जो और दूसरी बातें हैं उनके अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे. And let us, are these important? क्या ये महत्वपूर्ण हैं? These are vitally important for God's people to understand properly what a marriage relationship should be and when marriage should be avoided and otherwise a marriage is not to be put down in by any means, but this is the one of the most important holy relationship. Aur isliye aapko ye samajhna hai, ye janna hai ki ye bahut mahatvapurn hai ki kaise ek shaadi ko lekar ke aapko chalna hai aur kab ise aap एक शादीशुदा जीवन आप नहीं कर सकते हो. क्यों इसे करना है और कैसे इसमें इस पवित्र रिश्ते में बढ़ना. सो गॉड ब्लेस यू. इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे. रीड दिस चैप्टर. इस अध्याय को पढ़ें. एंड अगेन ट्राई टू रिकलेक्ट
what I have shared with you tonight. फिर से उन बातों को आप सुने और जोड़ने की कोशिश करें जो मैंने आपसे बांटी हैं. So read the whole chapter of chapter 7 in 1 Corinthians. और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके सातवें अध्याय को आप जरूर पढ़ें. And come prepared next Wednesday for another study. और अगले बुधवार को तैयार होकर हम आप आएं ताकि हम फिर से एक अध्ययन में आगे जुड़ें. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. In all relationship. सारे रिश्तों में. We need to have the Christ as the center. हमें प्रभु यीशु मसीह को हर एक बात का मध्य बना करके चलना है. Hallelujah. Hallelujah. And everything has to be holy. और हर एक बात का पवित्र होना अनिवार्य है. Marriage is a holy institution. और शादी एक पवित्र अनुष्ठान है. And the relationship of marriage in marriage is a holy relationship. और याद रखिए शादी शुदा जीवन एक पवित्र रिश्ता है. Including sex. जिसमें यौन संबंध भी सम्मिलित है. Because it is God created. क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया. For a purpose. एक उद्देश्य के साथ. And it is a holy purpose. और एक ये पवित्र उद्देश्य है. And let us treat everything that we do in the presence of God and for the glory of God. और इसलिए आप हर एक बात को परमेश्वर की महिमा के लिए करने पर. And some people think, you know, some husbands think he is so holy that he never talks to wife about sex or even touch the wife. कुछ लोग पति ऐसा कहते हैं वो इतने पवित्र हैं कि पत्नी से ये शारीरिक संबंध के बारे में ना तो बात करते हैं ना उन्हें छूते हैं. And there are some wives who does the same thing. और ऐसी कई पत्नियां भी हैं जो ऐसा करती हैं. Don't be that heavenly. और इतने भी पवित्र या स्वर्गीय होने की आपको जरूरत नहीं. But you fail to fulfill God-given purposes. ताकि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्देश्यों को अपने शादीशुदा जीवन में ना पूरा करें. It is not only just to produce children. ना केवल बच्चे पैदा करने के लिए. It is for husband and wife to come closer in intimacy and thus they become one. और ये तो इसलिए भी है कि पति और पत्नी आपस में एक मन एक चित होकर इतने गहरे रूप रिश्ते में जुड़ जाए. So there is nothing unholy for a husband and wife to have sex. और इसलिए एक पति या पत्नी के बीच में जब कोई यौन संबंध होता है तो वो कोई अपवित्रता नहीं है. As long as you do it in a very understanding, gentle way to enjoy each other. जब तक आप इसे बड़ी नम्रता के साथ एक दूसरे को समझते हुए करते हैं. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Lord, we thank you for your word. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए. Your word deals with every aspect of our human life. और धन्यवाद पिता क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन के हर एक पहलू के विषय में बात करता है. And therefore we pray that the Holy Spirit will give us proper understanding of the teaching of God, of your word. और इसलिए हमारी प्रार्थना यह है कि तेरा पवित्र आत्मा तेरे वचन की सही शिक्षा और समझ को हमें दे. And that in everything God may be glorified. ताकि हर एक बात में परमेश्वर को महिमा मिल जाए. In Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर. Amen.